हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, काउंसलिंग लिस्ट 3 से 4 दिनों में आने की पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन इसका क्या कारण है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज समझने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि आयोग की लापरवाही अब जो है छात्र नेता दिलीप कुमार जी ने एकदम खुलेआम चुनौती दिया है कि अगर आप 3 से 4 दिनों में लिस्ट नहीं जारी करते हैं तो समझ लिए जो है छात्र कुछ भी करने को उतारू हैं। छात्रों की गुस्सा इतनी काफी बढ़ गई है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि जो है इस वीडियो में दिलीप कुमार जी ने कुछ क्या कहे हैं, आप वीडियो को सुने और इसे जरूर समझने का प्रयास करें। लास्ट में एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि अब जो है सभी छात्रों को एकजुट होने की पूरी उम्मीद है। आप पूरा जो है एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है ऐसा संभव है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें और इसे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में शुरू करने की बात BSSC ने अपने 19 सितंबर के नोटिस में कहा था, लेकिन आज 1 नवंबर बीत जाने के बावजूद भी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है, न ही काउंसलिंग के लिए कोई रैंक लिस्ट जारी किया गया है। तो इससे ऐसा लगता है कि BSSC कहीं ना कहीं इस बहाली को लटका के रखना चाहती है और इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का दबाव है। यही वजह है कि BSSC काउंसलिंग का डेट घोषित नहीं कर रही है, और जब छात्र आंदोलन हुआ है तभी BSSC जागी है और कुछ ना कुछ कार्य भी किया है। तो आंदोलन के वजह से ही BSSC के कार्यशैली में थोड़ा तीव्रता भी आई है और इसलिए ये बहाली यहाँ तक पहुँच भी पाई है। तो अब हम लोग को फिर से एक बार आंदोलन करना पड़ेगा। BSSC के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आपने किस मुँह से नोटिस जारी किया था कि नवम्बर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करवा देंगे। आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं जहाँ से लाखों युवाओं का भविष्य तय होता है और इतना बड़ा झूठा बोलते हैं, वो भी आप अपनी वेबसाइट पे नोटिस जारी कर देते हैं और फिर भी उस पर कुछ अमल नहीं करते हैं। आप अध्यक्ष और सचिव हैं, आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए। आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। आप अपने घर जाते होइएगा, अपने परिवार वालों से, बाल बच्चों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा। उनके मन में भी आपके प्रति हीन भावना आती होगी कि ये तो झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि आपके पद की क्या गरिमा है, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए आपको। और अभी नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अभी भी चाहिएगा तो आप 5 दिन के बाद काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। आप 727 अभ्यर्थियों के लिए जो करना है आप करते रहिए, टाइपिंग फिजिकल लेते रहिए, लेकिन ये जो 52-53 हज़ार स्टूडेंट से पहले से है उनके लिए आप काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए, काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए। आखिर आप अचानक तो काउंसलिंग नहीं करवाइएगा ना, कम से कम 5 दिन पहले आप सूचना दीजिएगा, 6 दिन पहले काउंसलिंग किया, उसके बाद काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो बताइएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी। तो अभी आप अगर काउंसलिंग की तिथि घोषित कर देते हैं, काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए, तो काउंसलिंग आराम से आप 5 दिन 6 दिन बाद करवा सकते हैं। और इन 727 अभ्यर्थियों में से जो भी होंगे क्वालिफाई करेंगे उनका भी आप ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके साथ ही जब इनका काउंसलिंग खत्म होगा लास्ट दिन आप इनका भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसमें कौन सी बाधा है, कौन सी बड़ी बात है? और आपने खुद ही कहा था ना, आप तो खुद ही कह रहे थे कि एक भी सीट खाली नहीं रहेगी, जब तक सीट नहीं भरेगा हम काउंसलिंग करवाते रहेंगे। तो फिर अभी आपको काउंसलिंग कराने में क्या दिक्कत है? आप 52-53 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं उनका काउंसलिंग करवाइए, और जो 727 अभ्यर्थी में से क्वालिफाई करके आएंगे उनका काउंसलिंग भी करवा लीजिएगा बाद में, और उसके बाद एक साथ आप सबका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार करके पब्लिश कर दीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चाहेंगे तो जरूर कर सकते, लेकिन आप चाहते नहीं है। आप सिर्फ छात्राओं, बिहार के छात्र छात्राओं को गुमराह करना चाहते हैं, युवाओं को गुमराह करके रखना चाहते हैं, जो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है कि 7 साल में एक बहाली आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपराध है। और समझ लीजिए कि बिहार का युवा अब इतना आक्रोशित है, कुछ भी करने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अब हम भी नहीं रोक के रख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता इन लोगों को। अब तो अब इन लोगों को जो मन में आएगा कर देगा, इनको रोक पाना मेरे बस की बात नहीं। हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों के आक्रोश को समझिए, उनके साथ न्याय कीजिए। 7 साल क्या आप तो 7.5 साल हो गया, 7.5 साल बाद भी आप बहाली पूरा नहीं हुआ है, तब कितना इंतजार करे छात्र? आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है क्या अध्यक्ष और सचिव महोदय? आपका दिल कितना बड़ा पत्थर हो गया है? आपका दिल पत्थर का है क्या? आपकी अंतरात्मा नहीं जगती है? आपको रात को नींद कैसे आती है कि हजारों युवाओं का आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं और आप चैन से कैसे सो पाते होइएगा? मुझे तो नहीं लगता कि आप चैन से सो पाते ही होइएगा। ये हजारों स्टूडेंट्स का बद्दुआ लगेगा आप लोग को, इन लोगों को जो तड़पा रहे हैं आप।
दिवाली या छठ में आप खुशी मनाएगा, ये लोग क्या करेंगे? ये 50,000-53,000 जो स्टूडेंट्स है क्या करेंगे? दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं ये लोग। थोड़ा सा भी आप लोग को शर्म नहीं आता है? थोड़ा भी आप लोग का अंतरात्मा नहीं जगता है? और माननीय नीतीश कुमार जी, आपकी अंतरात्मा एकदम मर चुकी है क्या? आप कहते हैं न्याय के साथ विकास कर रहे थे, कौन सा न्याय के साथ विकास है कि 7.5 साल बाद भी आप बहाली पूरी नहीं हुई है? और ये 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो मानसिक रूप से दिन रात प्रताड़ित हो रहे हैं, रो रहे हैं, उनके साथ आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं? क्यों नहीं इन लोग के साथ न्याय करते? क्यों नहीं इस बहाली को जल्द पूरा करते हैं? 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आई, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली नहीं आई है, जबकि सचिवालय में 60% से ज्यादा सीट खाली है। तो किस तरह से आप न्याय कर रहे हैं? न्याय के साथ विकास कहाँ है? हम अपील कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी, नीतीश कुमार जी और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय आपसे भी, कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग का तिथि घोषित कीजिए। सचिव और अध्यक्ष महोदय, आप जल्द से जल्द तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग करवाइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करने के लिए बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को आदेश दीजिए, अन्यथा बिहार के छात्र आप कुछ भी करने को तैयार हैं, इनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और परीक्षार्थियों को हम बताना चाहते हैं कि आज हम अनशन के परमिशन लेने के लिए गए थे तो जिला नियंत्रण कक्ष जो पटना में है, पटना के लिए, वहां हमें बताया गया कि अनशन के लिए आप जाइए समाहरणालय। वहां एसडीओ ऑफिस में गए तो वहां बताया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में परमिशन मिलेगा अनशन का। फिर वहां गए तो वहां से बताया गया नहीं, एसडीओ ऑफिस में ही मिलेगा। और वहां जब गए तो बोलते हैं कि हम सिर्फ लाउड स्पीकर के लिए परमिशन देते हैं, अनशन का परमिशन हम लोग नहीं देते हैं। जब हमने कहा कि एसडीओ साहब से हमारी बात करवाई, हम एसडीओ साहब से मिलकर ही बात करेंगे, तो कहा गया कि एसडीओ साहब नहीं है, किसी मामले में कोर्ट गए हुए हैं। बहुत देर तक हम लोग इंतजार किए, जब वो नहीं आए तो फिर हम लोग लौट गए। तो अंतिम रूप से एक दिन और हम प्रयास करेंगे अनशन के लिए परमिशन लेने का। अगर उस दिन परमिशन नहीं मिला अनशन के लिए तो हम लोग फिर बिना परमिशन के ही आंदोलन करेंगे। और ये आप लोग अब तय करेंगे कि बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करना है या गर्दनीबाग में करना है। तो सभी परीक्षार्थियों से राय विमर्श किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद हम लोग जगह तय करेंगे कि किस डेट को और कहां आंदोलन करना है, बीएसएससी ऑफिस में करना है या गर्दनीबाग में करना है। लेकिन उससे पहले अंतिम रूप से हम प्रयास करना है कि अनशन के लिए हमें परमिशन मिल जाए। अगर अनशन के लिए परमिशन मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों से राय विमर्श करके ही तिथि और जगह का भी घोषणा किया जाएगा। और उससे पहले हम लोग अभी राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार के पास और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी इससे संबंधित लेटर भेजेंगे। और उसके बाद यूएनओ में भी हम लोग ईमेल के माध्यम से, ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से इस मैटर को उठाना चाहते हैं। यानी कि अब इस मैटर को हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी ले जाएंगे लेटर के माध्यम से, और यूएनओ में ईमेल और ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से यूएनओ में भी इस मामले को ले जाएंगे। क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया। जब सरकार यहाँ की नहीं सुन रही है तो हम लोग के पास मजबूरी है, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ सबको टैग करके ट्विटर अभियान हम लोगों ने चलाया, नीतीश कुमार जी को भी टैग किया गया है, सीएमओ बिहार को भी टैग किया गया, लेकिन कहीं से कोई हम लोगों के लिए मदद नहीं आ रहा है, ना ही न्याय मिल रहा है। तो अब लोग हम लोग को मजबूरी में अब यूएनओ का भी सहारा लेना पड़ेगा, इस मामले को यूएनओ तक ले जाना पड़ेगा। अब जो भी होगा हम लोग मिलकर करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद।